बनाने जाना है पुदीने के पकौड़े, वो भी ग्रेवी वाले। चलिए बनाते हैं। पुदीने के पकौड़े बनाने के लिए मैंने ले लिया है पुदीना जो है, मैं इसको अच्छे से साफ कर धोकर और बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लूँगी, मोटे मोटे डंडल अलग कर दूँगी, जो बारीक होंगे हम उसको काट लेंगे। चलिए इसको धोकर और काटते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पुदीना जो आपको दो गड्डी मैंने लिया था वो काट कर मैंने काट लिया है और धो लिया है, उसको मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि मैंने इसमें चन्नी में रख दिया था इसको पानी नहीं चढ़ने के लिए। अगर आप पानी जो है, अब इसके ऊपर जो है मैं डाल दूँगी थोड़ी सी एक चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी हम जो है कलर के लिए डालते हैं कि जो ये हमारे जो पुदीने के पकौड़े बनेंगे उसका कलर अच्छा आएगा। मैं ग्रेवी वाले बना रही हूँ और सिंपल भी आप ऐसे खा सकते हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने डाल दी हल्दी एक चम्मच के करीब और मैं डाल दूँगी हाफ टेबल स्पून जो है ये मिर्च। मिर्च जो है आप अगर आपकी तेज़ ज़्यादा है तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैं दो गड्डी का बना रही हूँ, अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं पतौड़े तो आप ज़्यादा गड्डी भी ले सकते हैं पुदीने की जो आती है। और नमक डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना है। ये आप अगर बना कर देखेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा कुटा हुआ गर्म मसाला, ये देखिए दो चुटकी करीब है गर्म मसाला मैंने कूट लिया था, वो डाल देंगे हम इसमें। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें आधे चम्मच के करीब चाट मसाला, मेरे पास पिसी हुई खटाई नहीं है तो मैं डाल दूँगी, यानी कि अमचूर पाउडर, तो चाट मसाला डाल दूँगी। आप नींबू भी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, बस हाफ टेबल स्पून से भी कम ही डालना है। और थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा लहसुन का पेस्ट, क्योंकि लहसुन हमें ग्रेवी में डालना है। लेकिन इतना देखिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला है बस टेस्ट के हिसाब से। और इसमें डाल देंगे हम बेसन। बेसन का कोई, मैं जो है ऐसे आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे बेसन डालना है। मैंने ये बड़े वाले दो टेबल स्पून बेसन डाला है, दो, और अब डाल दूँगी तीन और चार और पाँच, ठीक है। अब मैं जो है इसको मलूँगी, इससे पता चल जाएगा कि हमारा बेसन अभी और जाएगा या नहीं जाएगा। मैंने अभी पानी नहीं ऐड किया है और आपको भी जो है पानी ऐड नहीं करना है इस टाइम पर। अभी देखिए, क्योंकि जो इसमें जो हमने धोया था ना पुदीने को, उसमें काफ़ी पानी होता है, तो हम जब पानी डालेंगे तो वो पहले मसाले हमने मिक्स कर लिए, इस वजह से कि अगर पानी डाल दो तो मसाले अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। देखिए हमारे कितने अच्छे से मसाले मिक्स हो गए। अभी हमने जो है, मैंने 5 चम्मच जो ये आते हैं ना डब्बे के साथ वो डाले हैं, आध पक के करीब लग जाएगा इसमें दो गड्ढी में, वो डाल देते हैं हम इसमें 7 चम्मच। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा करके पानी, पानी आपको ज़्यादा नहीं डालना है, अगर थोड़ा सा डालना फिर इसको जो है, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना टाइट करके, बिल्कुल टाइट डो बनाना है आपको, बहुत टाइट। अगर आप पतला कर देंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो कटेंगे नहीं, क्योंकि हमें इसको स्टीम देना है। देखिए मैं ऐसे करके बना रही हूँ, आपको भी ऐसे ही बनाने हैं। पानी मैंने बहुत ही कम डाला है, समझ लिए 2 या 3 टेबल स्पून के करीब पानी गया है मेरा। तो देखिए अच्छा खासा वो बन गया है। अभी हमारा जो है बेसन इसमें लग रहा है कम, तो बेसन हम जो है इसमें और ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन और ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी मैं, थोड़ा ही लेना है आपको ऐसे हाथ से बस। ये जो है गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि पुदीने के होते हैं, एक तो ठंडक देते हैं, ऊपर से आपकी जो है एक रेसिपी तैयार हो जाती है। आप इसको पकौड़ियों की तरह भी खा सकते हैं, जिस पकौड़े खाते हैं और बाकी जो है वैसे भी खाते हैं। मैं इसको बिल्कुल मिलाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लिया है। अब जो है देखिए मैं इसमें से बीच में से ऐसे करके मैं इसको कट लगा लूँगी और इसको जो है ऐसे करके आपको डोसा बना लेना है, जैसे कि आप पूरियों के लिए बना कर रखते हैं ऐसे करके लंबा करके और पतला करके। आपको जितने बड़े साइज़ के चाहिए पतौड़े आप उतना बड़ा साइज़ रख सकते हैं, मैं जो है थोड़ा पतला ही छोटे छोटे बनाऊंगी। देखिए ये एक बना लिया मैंने ऐसे करके और एक अब ये दूसरा बना लूँगी। 2 हमारी जो है तैयार हो चुकी हैं। इसमें आधा से कम ही बेसन लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा है, आप इससे कम भी बेसन डाल सकते हैं, खाली पत्ते पत्ते भी रहने दे सकते हैं गर्मियों में ठंडक के लिए।
ये देखिए अब मैं आपको तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि बेसन जो है हमारा सेट हो जाएगा। मैं एक घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी, इसके बाद हम इसको स्टीम देंगे, जैसे कि अरबी के पतोड़ों को देते हैं ऐसे ही इसको भी स्टीम देना है, फिर बाद में फ्राई करेंगे। ठीक है, जो है ये फ्राई पैन रख दिया है, वो सॉरी कढ़ाई। अब मैं जो है इसमें रख दूँगी, ये मेरे पास स्टील का स्टैंड है, ये मैं रख दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लकड़ियाँ भी रख सकते हैं, या फिर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास ये था, इसमें रख दिया। अब पानी जो है हमें कैसे डालना है, इसके नीचे ही नीचे रहना चाहिए स्टैंड के, या जो आप लकड़ियाँ लगाएंगे ऐसे फंसा कर, तो उसके नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने जो ये एक कप भर के डाला है, गिलास समझ लिया आप, गिलास का नाप है बिल्कुल ये, तो ये एक मेरा एक जो है कप भर के इसमें डल चुका है। और मैं आपको बता रही थी कि मैं आप फ्रिज में रखने जा रही हूँ, तो मैंने फ्रिज में नहीं रखे हैं, वो आपका मर्ज़ी है कि आप इस फ्रिज में रख के तो आप स्टीम कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, देखिए मैंने एक ये ऐसे रख दिया है और एक ये ऐसे रख दिया है। अब मैं जो है इसको ऊपर से जो है कवर कर दूँगी, और इसके अंदर जो है खूब अच्छी स्टीम बनने दूँगी, कम से कम 10 मिनट तक, और फ्लेम जो है मुझे हाई रखनी है। उसके बाद जब आप पानी उबलने लगेगा तो आपको फ्लेम कर दी है मीडियम, और 10 मिनट तक इसको जो है ऐसे ढक के रहने देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको इसको निकाल कर फ्रिज में रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ढक्कन बिल्कुल, जो स्टीम बन जाए। फ्लेम देखिए मैंने हाई रखी है, तो इसके अंदर बबल्स आने लगे हैं। अब इस टाइम पर हम फ्लेम कर देंगे मीडियम, और आराम से इसके अंदर स्टीम आती रहेगी, फिर बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। तरीके से ढक दिया है, अब मैं जो है 10 मिनट बाद इसको खोलूँगी। 10 मिनट बाद मतलब इसकी जो है फ्लेम बंद कर दूँगी, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब मैं इसको खोल के देखूँगी, फिर फ्रिज में रख दूँगी। अब फ्लेम जो है बंद करके मैंने इसको ठंडा होने दिया है, ऐसे ढके ढके मैंने इसको ठंडा कर लिया। अब मैं निकाल लूँगी इसको प्लेट में, और उसके बाद अब जो है मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, फिर कट करके फिर हम इसको फ्राई करेंगे और इसकी ग्रेवी बनाकर फिर इसमें डालेंगे। आपको आगे का प्रोसीजर दिखाती हूँ ठंडा करके। इसको निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है। अब मैंने ये मेरे पास जो बड़ा बेलन पे मैं कट कर रही हूँ, आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। अब मैं इसको बारीक बारीक जो है ऐसे आराम से आपको ऐसे कट करने हैं, जैसे कि आप अरबी के पत्तों को कट करते हैं, बहुत आराम आराम से। और छुरी आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए तभी अच्छे से कट पाएंगे, नहीं तो थोड़े से प्रॉब्लम करते हैं कट करने में। ठीक है, ऐसे आपको, ठीक है ऐसे मैं कट करती हूँ, फिर मैं आपको। मैंने जो है ऐसे देखिए कट कर लिए हैं सारे पीसेस को, पतला पतला गड़ा, ज़्यादा मोटा नहीं करना है आपको। ठीक है, अब मैं जो है अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बनाते हैं। अब मैंने जो है फ्राई पैन रख लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल, क्योंकि हमें जो है अपने पतोड़े जो हमने कट किए थे उनको फ्राई करना है अच्छे से, तो वो ये मैंने ले लिए हैं। अब सरसों का तेल होने देते हैं, फ्लेम कर दी है मैंने इस टाइम पर फुल। अब मैं सारे पतोड़ों को जो है पहले फ्राई कर लूँगी अच्छे से, फ्राई नहीं मतलब कि आपको जो है शैलो फ्राई करना है। अब मैंने ऑयल डाल दिया, अब जब गर्म हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल जो है देखिए गर्म हो चुका है, अच्छे से धुआं निकल रहा है। अब मैंने जो ये कट करके रखे थे इसको मैं, अब फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है, क्योंकि हमारा ऑयल काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका है। मैं ये डाल दूँगी, जब एक तरफ से हो जाएंगे चलो फ्राई, तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये गर्मियों के लिए बहुत ठंडक देने वाली रेसिपी है। अब मैं जैसे ऐसे ये फ्राई कर रही हूँ दोनों साइड से अच्छे से, मैं शैलो फ्राई कुरकुरा करके आप वैसे भी खा सकते हैं इसको अच्छे से, और मसाले में भी डाल के खा सकते हैं। ठीक है, एक साइड से हो जाएंगे तो मैं इसको पलट दूँगी। देखिए हमारे हो गए हैं, इसको ज़्यादा हमें कुरकुरा नहीं करना है, क्योंकि हमें अब मैं जो है इसको पलटती जाऊँगी। अगर हमें ऐसे ही खाना होता तो मैं इससे ज़्यादा सुर्ख कर लेती, और फिर मैं इसको चटनी के साथ पुदीने की या वैसे इसको खाती तो बहुत टेस्टी लगते। अभी मुझे डालना है मसाले में, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा सुर्ख नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सुर्ख करेंगे तो वो जो है सॉफ्ट नहीं होंगे, हार्ड रह जाएंगे। इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं जब सब देखिए पलटती जाऊँगी, जब हो जाएंगे फ्राई मैं सब आपको दिखाती हूँ। अब जो है मैंने सारे जो पतोड़े जो थे पुदीने के वो सारे तल लिए हैं, शैलो फ्राई कर लिए हैं। अब मैंने उसी पैन में जो है मैं ऑयल और डालूँगी, क्योंकि इसमें ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि बेसन है ना, तो बेसन जो है ज़्यादा ऑयल ले लेता है। मैंने जो है एक बड़ा चम्मच जो होता है
वो भर कर ले लिया है। अब इसको मैं गरम होने दूंगी। जब इसमें ये गरम हो जाएगा तब मैं इसमें मसाले डालना स्टार्ट करूंगी। अब ऑयल जो है मेरा ये गरम हो चुका है, देखिए काफ़ी अच्छा जो है वो आ गया है, धुआं निकल रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी तेज़पात के पत्ते, बे लीव्स, और ये मैंने जो है लिए एक दालचीनी का पीस लिया है, और ये गरम मसाला लिया है थोड़ा सा, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी डालेंगे हम इसके अंदर एक चुटकी करीब हींग। हींग इसलिए डालना है कि हमारी जो है ये रेसिपी बेसन भी है, इसमें थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में आसानी रहती है। अगर आपके पास हींग नहीं है तो आप हींग नहीं भी डाल सकते हैं। और अब मैं जो है इन मसालों में डाल दूंगी, ये मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट मिक्सर में पीस कर तैयार कर लिया था, दो बड़ी प्याज भी थी वो डाल दूंगी। तो जो है मैंने ली थी मीडियम साइज़ की प्याज, और एक जो ली थी मतलब एक लहसुन की वो ली थी पूरी, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड बोलते हैं, हाँ वो ली थी। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, इसमें लहसुन प्याज और उसमें वो जाएंगे हमारे, ये जो है मैं धनिया के 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ धनिया इसके अंदर। धनिया जो ग्रेवी हमें बनाना है तो इसमें डालना पड़ेगा। हल्दी जो डालेंगे हम थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे, इतनी सी हल्दी डालूँगी मैं। मैंने जो हल्दी डाल दी है इसमें डाल दूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून ये वाला मिर्च का। मिर्च अगर आपकी ज़्यादा तीखी है तो इससे भी कम डाल सकते हैं, नहीं डालूँगी, ठीक है। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना, और नमक बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि हमने वो जो है पुदीने के जो पकौड़े हैं उसमें भी नमक डाला है, सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से नमक डालना है आपको। और इसमें मैं डाल दूँगी अब पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा आपको पानी ऐड करना है कि इससे कि मसाला हमें अच्छे से भुन जाए। और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कि हम इसमें डालेंगे ये गोल्डी की, मैंने जो है गोल्डी की कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, वो यूँ डाल रही हूँ क्योंकि बेसन की जो रेसिपी होती है ना, आप उसमें ध्यान करेंगे कि मतलब पीला पीला सा हो जाता है क्योंकि बेसन जो है सारा ऑयल वो कर लेता है, तो हम ये डाल देंगे तो इससे कलर थोड़ा अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो इससे कोई टेस्ट नहीं आता है, सिर्फ कलर के लिए डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, वो गोल्डी की बहुत अच्छी होती है, मैं यही डालती हूँ। ये डाल दूँगी थोड़ी सी। अब मैं इस मसाले को खूब ही अच्छे से भून लूँगी कि ये ऑयल जो है बिल्कुल छोड़ दें और मसाला जो है अलग अलग हो जाए। तब तक हमें इसको भूनना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला जो है देखिए अच्छे से भुन रहा है। आप जो कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं उसका मसाला जो है आपको अच्छे से है भूनना है। ये देखिए मेरा ऑयल अलग हो रहा है और मसाला जो है बबल्स से बन रहे हैं। आप जितना हो सकता है मसाले को वो भूनेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा, नहीं तो कच्चापन रहता है प्याज में और लहसुन में, तो वो टेस्ट नहीं आता है। अभी देखिए मेरा इतना हो गया, जब भी मैं इसको खूब अच्छे से और भूनूंगी उसके बाद में पानी डालकर अपने पतोड़े डाल दूंगी इसके अंदर। देखिए मसाला भुन गया, मैं इसमें डाल दूंगी पानी। पानी जो है आपको अपने हिसाब से डालना है क्योंकि पानी जो है थोड़ा इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि वो जो हम पतोड़े डालेंगे ना तो वो पानी सोख लेते हैं, तो आपको कम से कम 1 गिलास पानी डालना है इस ग्रेवी में। चलिए मैं डालकर आपको दिखाती हूँ। मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है, और फ्लेम को कर देंगे इस टाइम पर हाई क्योंकि हमें जो है एकदम से जल्दी हो जाता है काम। अगर हाई फ्लेम कर दें मसाला भूनते टाइम, आपको बिल्कुल जो है स्लो रखनी होती है। मैं से सारे जो है पतोड़े इसके अंदर ऐड डाल दूँगी, आपको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि ज़्यादा आप चलाएँगे तो ये टूट जाते हैं, तो आपको जो है एक एक करके डाल देना। उसके बाद आपको ज़्यादा चलाना नहीं है, जब आपको डिश आउट करना होगा, जब आप जो है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है मेरे इतने ग्रेवी में, मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसको भदकाने देंगे अच्छे से खूब, जो जो हमने पानी डाला उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर हम डिश आउट करेंगे। हमारे यमी से पतोड़े की, पुदीने वाले पतोड़ों की ग्रेवी वाली रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब इस फ्लेम को जो है ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि देखिए अब जिसकी पहचान ये हो गई कि हमारे ये तैयार हो चुके हैं। देखिए सारे में बबल्स आ रहे हैं, अब हमारा जो है रेसिपी बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। फ्लेम कर देंगे ऑफ़, उसके बाद करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। मेरे पुदीने के
पकौड़े ग्रेवी वाले बनकर तैयार हो चुके हैं। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।